रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो तुम दूसरी लड़कियों के साथ करते हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन के साथ हो। द ग्रेट विजयपथ ने उनकी बेटी की शादी है, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसकी शादी तुमसे हो रही है। ये शादी करके दिल तोड़ना ना, दैट्स नॉट राइट। देख भी नहीं रिया, आज तुम्हारा बैड डे। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि कब तुम्हें अकेले में मिलूं। वैसे वो लड़की कौन थी? गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। ये तो और डेट है। नो, ये अभी तो नहीं हो पाएगा। क्यों? Do you want to go to my dad's room? वो खाली है। ऋत्विक, क्या फर्क पड़ता है, अभी हो या फिर बाद में? नो, बाद में। ओह गॉड, अब ये भी देखना पड़ेगा। लेट्स गो टू द लाइब्रेरी। वन सेकेंड। हाँ बेबी। नहीं, वो मैं एक्चुअली नून्स के घर पे आ गई, या उनकी बेटी की शादी है। यस बेबी, आई विल बी बैक होम सून। तो ये मिनट, यू आर मैरिड? यस। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस बेबी? वो इट डज। ओके, आई कांट डू दिस। कम ऑन ऋत्विक, सी मेरे हस्बैंड सिंपल है, मिडिल क्लास है, और वैसे भी हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और मैं एक अमीर बकरा हूँ, राइट? It's always about the money. Yes, baby. It's always about the money. अब जब तुमने बात पैसों की कर ही दी है, तो let's get to the point. मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। और अगर तुमने मुझे अभी 50 लाख रुपए नहीं दिए, तो मैं नीचे जाकर सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे मॉलिस्ट करने की कोशिश की। अभी अभी तो किया बेबी, अगर मैं नीचे जाकर सबको बताऊंगी ना कि तुमने मुझे यहाँ पर छुआ, अपने बेडरूम में लॉक कर दिया, That's not correct. तो सब मेरी बात मानेंगे। Why are you doing this? Because पैसे चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझी? ओ, तो तुम भी यहाँ पर हो? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? Yeah. I was right here the whole time. और सब कुछ रिकॉर्ड किया मैंने अपने फोन पे। तो जो तुम धमकियां दे रही हो ना कि तुम पार्टी में सबको जाके सब कुछ बता दोगी, मैं सबको जाके सब कुछ बताऊंगी और पुलिस को भी मैं ही बुलाऊंगी। तो निकलो यहाँ से अब। अगर गर्लफ्रेंड है तो बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों करते हो? Such a waste. तुमने उसकी रिकॉर्डिंग की? No stupid. गैंगस्टर? क्या एपिक है यार तू? मुझे लगा था मेरी तो वाट लग जाएगी यार। वो तो आयो रब्बा, तुम दोनों, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम है? हाँ, आपने क्या कर रहे हो? पलक पुत्र, ये तो मैंने तुझे बताना था कि नूज की शादी में ना मुझे ट्रेडिशनल वेडिंग प्लानर का काम मिला है। पलक, वो पुत्र यहाँ ना एक खोता जो है ना, फॉरनर वेडिंग प्लानर भी है, अंग्रेजी वेडिंग प्लानर। मैं ना उसे आजकल ट्रेडिशनल ना वो वेडिंग की ना क्लासेस दे रही हूँ। और ये सब छड़ पुत्र, तू बता कोई ऋत्विक ढूंढ रहा है? चलो ना, चलो 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 चलो। पुत्र, तू मैंने दसिया क्यों नहीं? मैं तो इतने दिनों से रिच पत्ते ढूंढ रही थी तेरे लिए। तूने तो बहुत बड़ा हाथ मारा, इतना बड़ा रिच पत्ता ढूंढ लिया अपने आप आ गई। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं। ओए, मैं गुस्से भी नहीं हूँ, तेरी शादी ना बहुत धूमधाम से बड़ी होगी। सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है। ओए पुत्र, तू घबराती क्यों है? कुछ भी ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें दोस्ती से तो शुरू होती है। मैं मेरी बात सुनोगे एक मिनट? मैं सुन तो रही हूँ। मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, ठीक है? और अब आप यहाँ पे आ गए हो। मेरे साथ ही करना था ये सब। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप मेरे पीछे बताना, ठीक है? अब अपना काम करो, मैं अपना काम। बिल्कुल मेरी बात तो सुन। ओए रुपा, ओए ओए, थैंक यू गॉड। मैं आपके बारे में ना सब कुछ जानती हूँ। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, कितना कमाते हैं, सब पता है मुझे जी।
जब मैं ऐसी औरतों को देखता हूँ मुझे यकीन हो जाता है कि औरतों को सिर्फ पैसा चाहिए। तूने तो बहुत बड़ा हाथ मारा, इतना बड़ा रिच पत्ता ढूंढ लिया अपने आप आ गई। वो मेरी मम्मा, मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ काम कर रही हैं। I didn't know कि तुम्हारी मॉम है। I didn't realize। आजकल तो मेरी शादी को लेके इतनी ऑब्सेस्ड हो गई है, पता नहीं क्या लगा रखा है, ये करो वो करो, उससे मिलो इससे मिलो। आई एम सो डन विद इट। आई एम श्योर। पता नहीं क्या लगा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। मैंने तो क्लियरली मना कर दिया, सब कुछ भी नहीं है। पता नहीं मॉम कैसी होती है, बस शादी की लग रहती है। इसे अमीर आदमी से करानी होगी। सब पेरेंट्स यही चाहते हैं। बाय द वे, तुमने उस जूही को ऐसे क्यों ट्रीट किया? वो तुम्हारा चैलेंज था ना। उसने मेरे लिए, यानी कि एक अमीर आदमी के लिए, अपने पति को चीट करने के बारे में सोचा। मेरा चैलेंज वही खत्म हो गया। एंड तुमने मुझे बचा लिया, थैंक्स। अब तुम मेरे फ्रेंड हो, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, है ना? तुम्हें अमीर आदमी नहीं चाहिए? यार कितनी बार पूछोगे, वो कहते हैं ना, स्पॉइल मी विद लव, आई कैन फाइनेंस माय सेल्फ। मैं वो टाइप की हूँ। सबको अमीर आदमी चाहिए होता है। मैं ऐसा नहीं सोचती। आई डोंट थिंक हर लड़की को अमीर आदमी चाहिए। भाई भैया चाहिए यार आपकी। क्या क्या तूने? ओह नो नो नो, दोस्त है मेरी पलक। अरे तू तो मिल चुका है ना? शी इज लाइक अ डूड यार, टेंशन मत ले, बोल इसके साथ प्लीज। अरे बोलना। ठीक है, मुझे स्कूल में चीटिंग करते हुए पकड़ लिया है एंड प्रिंसिपल को पासिंग मिलना है, एंड यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि पा में तो भर्ता बना देंगे। सो प्लीज, नहीं नहीं मेरी बात सुनो प्लीज, आप बाकी जगह स्कूल आके प्रिंसिपल से मिल लो प्लीज। गॉड दिस ब्रो, मुझे प्रिंसिपल से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कॉल यू, है मेरे पास नंबर। सीरियसली? ऑफ कोर्स। ओह गॉड ही इज सो कूल। पापा वो शिवम को ना प्रिंसिपल ने चीटिंग करते पकड़ा और आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करना है। अरे पापा भाई तो मजाक कर रहे। व्हाट इज दिस? मैं मदद मांगू आपकी, ऐसा क्यों? पर ऐसा ही कुछ तब पकड़ो अपना फोन, तब बॉक्सिंग सोच के भी क्या आता है। दैट वाज रियली मीना। ओह रियली? तो क्या करूं मैं, छोटा भाई है मेरा, अभी चीटिंग करेगा जिंदगी भर चीटिंग करेगा। आई डोंट वांट दैट। गॉट टू सेट प्रॉपर एग्जांपल्स। यू सी ये देख लो, क्रेजी फैमिली ऑफ माइन। हां लव देम द वे आर। ये रुको मैं थोड़ी देर में आता हूं। ओए पलक पुत्र सुनना, ओए पुत्र रोला पै गया। क्या हुआ मम्मा? हुन तैनू ही मेरी मदद करनी है पुत्र। राधिका की तबीयत खराब हो गई, वो चली गई। क्या हुआ उसको? मैं बताती हूँ, कितनी आवाज आ रही है, तू चल मैं समझाती हूँ। पुत्र पुत्र तुझे क्या था, इतने सारे काम भूले थे और सारे खराब हो गए। उसको क्या हुआ? ओए क्या हुआ तुझे? नहीं यार वो सर में थोड़ा सा दर्द था। कुछ है नहीं ना उसमें। अबे चुप बे, एक सेकंड। हेलो, हाँ परम, हाँ सुन, वो जो फंड्स थे ना जो मैंने तुझे बाल सेवा एनजीओ में ट्रांसफर करने बोले थे वो कर दे। ये क्या बाल सेवा एनजीओ, क्या कर रहा है तू? नहीं यार वो तुझे याद है ना कि पलक ने तुझे कहा था कि हर महीने उसकी सैलरी में उसे 20,000 का इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो पैसे जो थे ना वो बेसिकली उसके अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं थे। वो ये चाहती थी कि जिस एनजीओ में वो काम करती है ये पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, और वो एनजीओ जो है ना वो गरीब बच्चों के इलाज के लिए पैसे जमा करती है। बहुत इंप्रेसिव है यार। थैंक गॉड कुछ लोग अपने पेरेंट्स की तरह नहीं। मतलब? कुछ नहीं बोंदू, चल कुछ भी कहना। नहीं मम्मा मुझसे नहीं होगा ये सब डेकोरेशन, आपको पता है मेरे बस की नहीं है। ओ पुत्र अगर राधिका बीमार नहीं होती तो मैंने तुझे नहीं कहना था ना, ये प्रोजेक्ट ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्र, कर लेना यार। मम्मा छुट्टी लेनी पड़ेगी यार, मैं भी तो काम कर रही हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है, वो तेरी बॉस की बहन ही तो है पुत्र, बता देना ना, वो अपनी मांग ली कर देना। ओए मेरे बच्चा कर ले। मम्मा यार फसा दे तो सच्ची, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, मैं देखूंगी। मैं तो करेगी। ओ थैंक यू पलकू मेरा अच्छा बच्चा। करेगी पर सेतु मैंने उस शेफ के साथ फ्लर्ट नहीं किया। तो मुझे जस्टिफिकेशन मत दो। क्या कहा था तुमने पलक से? मुझे जिम जाने की जरूरत है। नहीं 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 वैसे नहीं। वैसे नहीं तो फिर कैसे? मेरे आर्म्स लूज हैं, मुझे जिम जाना चाहिए, मैं मोटी लगती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था सेतु। तो फिर क्या मतलब था? आई डिड नॉट नो कि तुम लड़कियों के बारे में ये सब नोटिस करते हो। हाउ चीप। व्हाट
अरे लिसन टू मी, अरे मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। सितू यार मुझसे नहीं होगा ये वेडिंग डेकोरेशंस, राधिका प्लीज आ जा यार। फोन भी नहीं उठा रही है। तुम यहाँ ठंड में क्या कर रही हो यार? आओ। क्या हुआ? ये रिंग फंस गया। आओ। देखो। आओ। इधर बैठो। तुम लड़कियों को ठंड में नहीं लगती है क्या? लग तो रही है। शो। आता रहो ना। ये कैसे फंसा है? पता नहीं। एनीवे क्या बोल रही थी तुम? मेरी मॉम की जो असिस्टेंट है ना राधिका, फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं उसके अचानक से तबियत खराब हो गई है। Really? Yeah. हमारे फैमिली डॉक्टर यहीं पर हैं, उन्हें दिखाना है। थैंक्स, पर वो फोन ही नहीं उठा रही है ना, क्या करूं? आओ। सॉरी, एक सेकंड। थैंक्स। एनी टाइम। एक्चुअली वो मेरी मॉम की असिस्टेंट राधिका, शी इज नॉट पिकिंग द फोन एंड उनको ये वेडिंग फंक्शंस में मेरी हेल्प चाहिए। सो यू नीड एनफ? यस। हां तो ले लो, नो वरीज। या? ऑफ कोर्स। थैंक यू। वैसे भी तुम लैब में कुछ करते तो नहीं? सीरियसली? अच्छा लिसन, ऑन अ सीरियस नोट, अगर उस असिस्टेंट को किसी चीज की जरूरत है मुझे बता देना। श्योर। ऋत्विक। हां जी डैड। Thank you. चल पलक, लेट हो रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऋत्विक के बारे में सोच रही थी। कितना कॉम्प्लिकेटेड आदमी है यार ये, समझ में ही नहीं आता। सलमान खान है बेबी तेरा, दिल में आएगा समझ में नहीं। तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं इसे कब से देख रही हूँ यार। याद है पहले कितना सड़ू था, औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था, और अब एक अलग ही साइड है। अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है, लोगों की इतनी मदद करता है, बिल्कुल अलग है। दिल से सोचने वाला आदमी है बेबी। यू नो जब ये प्यार में पड़ जाएगा ना तो आफत आ जाएगी, क्योंकि ये दिल की बात सुनेगा, और जब ये दिल की सुनेगा ना तो सबसे बगावत कर लेगा। आई एम श्योर इसकी लव स्टोरी की प्रॉब्लम ये खुद ही होगा। आई हैव सीन हिज फैमिली, इतनी स्वीट है, उन्हें जैसे ही पता लगेगा ना कि उसकी लाइफ में कोई लड़की है, वो उसी टाइम उसकी शादी करा देगा। क्या क्या होता है मेरे साथ? ओए रीवा, उठ बच्चा, जॉगिंग के लिए जाना कि नहीं? उठो, फंक्शन में मोटी दिखेगी, तूने कहा था ना उठाने के लिए, चल उठ। अनन्या, प्लीज बाहर ही कपड़े पहन के बताना, कब हो सर? यार तू कब से ओल्ड फैशन बन गया? ओल्ड फैशन? आई ओनली डू दिस फॉर अ कपल ऑफ पीपल जिनकी मैं केयर करता हूँ। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू मेड इट। आई एम प्राउड ऑफ। मॉर्निंग। मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग। तो कपड़े कपड़े बिल्कुल ठीक। माफ कर, माफ, मुझे पता तू हर चीज में परफेक्ट है, तू कभी नहीं सुधरने वाला।
कॉलेज रियूनियन में क्यों नहीं आया? सब तेरे बारे में पूछ रहे थे। रीवा, मैं तेरी शादी छोड़ के कॉलेज रियूनियन के लिए जा सकता था लंदन? अरे किल्ड यू, तो छोड़ा देती। पॉइंट है यार। ओए, वो बैकम को डुप्लीकेट आया था? और कहाँ रहेगा, वो उधर ही था यार। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड छोड़, वो मेरे पीछे पड़ गया था। अबे यार प्लीज, तो मेरी मॉर्निंग मत खराब करो। सुबह सुबह अपनी एमबीए की रियूनियन की डेज की बातें मुझे नहीं सुननी है सब। गर्लफ्रेंड क्या करूं, बैठे रहे वहां पे। अभी आ जा रही है तुझे ब्रो की। पता है मॉम डैड कितने परेशान और गुस्से में, तू डायरेक्टली यहाँ आ गई, मिली भी नहीं उनसे। तो प्रॉब्लम क्या है, ये इसका घर नहीं है और तुम जो यहाँ पे पड़े रहते हो उसका कुछ नहीं। टिक्के भी खा रहे थे। हेलो हेलो, यू डोंट से एनीथिंग ओके। मैं जब कॉलेज में थी ना, एक बार भी मुझे फोन नहीं करता था और कह रहा है कि मैं घर नहीं गई, मैंने मिस नहीं किया। ओह गॉड प्लीज स्टॉप इट यू गाइस, मुझे पता है भाई ये यहीं पे आने वाले, निकलते हैं यहाँ से वरना ये दोनों हमारी क्लास ले लेंगे। ओए कपड़े पहन लेना, शुरू करता था। अरे पीछे पड़ जाते हैं उसके। You like bhai, right? Dude, what the heck? बता दो उनको कल रात को लिपस्टिक का मार्क किसका था? नहीं रीवा, अभी मत बताना, जब टाइम आएगा बता दूंगी मैं। तेरे संगीत के लिए मैंने जो डांस प्रिपेयर किया है ना, आई एम गोना सेट द फ्लोर ऑन फायर। आई लव यू पा, बट आपको पता है ना कि आप वो एक ही स्टेप करते हो। कैसे करते हो वो, ऐसे फिस्ट वाला? दुनिया में और कोई मेरा मजाक उड़ाए ना, उसको मैं 8 फुट जमीन के अंदर गाड़ दूं। तेरे को मैंने बिगाड़ के रखा है मेरा बच्चा। चल लव यू टू। चल ये क्या पहन के आई है? ऐसे कपड़े कौन पहनता है अपने संगीत पे? सीरियसली जूता मारूंगा दोनों को। मेरे बच्चे को कॉन्शियस कर रहे हो, लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस बेटा। मैं तो मारूंगा कॉन्शियस यार। यू शुड हट हट बट यार, बहुत समझ लग रहा है, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। शट अप, सच अ प्रीटी ब्राइड यार। या अच्छा सुनो, तुम में से किसी को दही बल्ले खाने हैं क्या? मैंने तारी को बोल दिया मेरे लिए। अनन्या तुम ये क्या डिमांड्स करती रहती हो यहाँ पर? हमारा घर नहीं है। अरे शट अप मम्मा, मैं इस घर में बड़ी हुई हूँ और ब्रो से ज्यादा तो मेरी चलती है इस घर पे। राइट, और तू भी मेरे घर में टिक्के कम खाया करो। अनन्या तुम कुछ भी पहनती हो ना, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो एंड वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। भाई अनन्या 30 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में आई है, सो प्राउड। दैट्स राइट, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। व्हाट यू अचीव्ड एट योर एज इज इनक्रेडिबल। वैसे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि नून खानदान में अगर हमारी बहू शादी के बाद काम करना चाहे, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। व्हाट, व्हाई इज एवरीबॉडी लुकिंग सो शॉक्ड? एवरीबॉडी नोज दैट द एंटायर नून फैमिली लव्स अनन्या एंड इट्स नॉट अ सीक्रेट दैट द पुरीज लव ऋत्विक। रीवा के बाद ऋत्विक का नाम। आप यार आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? कोई और काम नहीं है आपको? मैंने नहीं करनी शादी। Dude, this fight is futile. तेरी शादी होके नहीं। हाँ। अनन्या, इनकी बातों में आना। They're old, they're drunk, and they're frustrated. तेरा बाप बुढ़ा है ये? हाँ। And I'm not drunk, man. ये ना अपनी ज़िंदगी हमारे पे थोपना चाहते हैं। I'm not awkward at all. I'm comfortable. अरे यार, वो भाग गया। Hi Palak, वो pen drive लेके आना। बाकी की presentation मैं यहीं पे देख लूँगा। Hey, thanks. हाय पालक, वो पेन ड्राइव लेके आना। बाकी की प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे देख लूंगा। राइट, थैंक्स। ओह गॉड, मैंने गलती से कैसे मॉडिकन भेज दिया।
वो ना मैंने गलती से किसी मॉडल के बीच था। High hopes, babe. High hopes. वैसे वो कहाँ पे थी? Listen, गलती से भेजी है। It's all right. पहली गलती मैंने की, दूसरी तुमने कर ली। हाँ? तो मेरी गलती अंधेरे में थी। हो गया तुम्हारा। अब काम करें, please. अंदर चलते हैं। I've got the pen drive. अंदर है लो। Excuse me, अंदर नहीं आ रहा हूँ मैं। अंदर मेरी शादी की बातें चल रही हैं। अच्छा? कौन है ये भागन? See? कोई तो मुझे समझ रहा है। अब बस यही बात मेरे घर वालों को समझ आया ना, तो मैं मतलब ये घर भेज दूँ। क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करनी यार, है ना? Seven stages of love. Oh, क्या होती हैं ऐसे? Letters, poetry, कबूतर, hugs. छोड़ो, तुम्हारे लिए नहीं है। I'm pretty sure. तू इधर क्या कर? अंदर चल। तू मेरे पीछे पीछे क्या कर? मैं पीछे नहीं आई। रुक। मैं डॉक्टर पालक, ये मेरी दोस्त है। डॉक्टर पालक, अनन्या, ये मेरी ब्रो है। हाय पालक, अब अनन्या। हाय। मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ब्रो नहीं। अच्छा रिकी, प्लीज मुझे स्टेप्स बता दे। ओ यहाँ, तू यहाँ पर थी नहीं तो मैंने डॉक्टर पालक के साथ सब कुछ सीख लिया। ओके, दैट्स ग्रेट, तुम मुझे बता दो। श्योर। ऑलराइट। आपकी वो असिस्टेंट कहाँ पर है? उस दिन ना माड़ी जी तबीयत खराब हो गई थी, वो कार चली गई। जस्ट मेक श्योर उसका चेहरा मुझे दोबारा ना दिखे। ऑलराइट। वो आपको इन्फॉर्म करना था कि अबॉर्शन के लिए हम कैश में पैसे लेंगे। आप हेलो डॉक्टर। हेलो, अरे अभी आपके घर पे ही बात कर रहे थे। अनबिलीवेबल राधिका, तुमने उसे अभी तक बताया तक नहीं है। क्यों बताऊं मैं उसे, उसे फर्क नहीं पड़ता। रिवा और समर की शादी नहीं हो सकती।